हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 36 चेस्ट प्रिंसेस कट पैडेड ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसका मैंने बैक पार्ट ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट का डिज़ाइन है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो आप। यहाँ पर मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को हम साइड में रख देंगे। अस्तर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी है और खुली वाली साइड कैमरे की तरफ रखी है। सबसे पहले हम नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे कपड़ा बराबर करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो देखते हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब देखिए हम लाइन ड्रॉ करने के बाद प्रिंसेस कट वाले पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं फ्रंट साइड में। तो यहाँ पे देखिए हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लेंगे लेंथ। तो लेंथ हमारी यहाँ पे है 14 इंच, हमें तैयार लेंथ रखनी है 14 इंच। 1 इंच मार्जिन ऐड करके 15 इंच पे निशान लगाएंगे। आपको जितनी भी लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करके इस तरीके से निशान लगाइएगा। अब जो हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा बोट नेक ब्लाउज है, तो बोट नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे 7.5 इंच। नीचे भी हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और आर्मोल्स भी हम लेंगे यहाँ पे 7.5 इंच। 36 चेस्ट में बोट नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर और आर्मोल्स रखेंगे 7.5 इंच। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए हम इस तरीके से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है इस पे लेंगे हम चेस्ट। चेस्ट है हमारी 36, उसका 4th पार्ट लेंगे हम 9 इंच, 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। नीचे की तरफ लेंगे हम कमर, तो कमर है हमारी यहाँ पे 31 का 4th पार्ट लेंगे हम 7.5 इंच, मतलब 7.75 इंच। 1 इंच हम टक्स के लिए ऐड करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नेक विड्थ लेंगे। तो नेक विड्थ हमारी जो रखनी है हमें 3.5 इंच रखनी है। अगर आप 4 इंच रखना चाहते हो तो यहाँ पे 4 इंच भी रख सकते हो। लेंथ में यहाँ पे रख रही हूँ नेक की 4 इंच। 4 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ भी नेक की जो चौड़ाई है वो रखूँगी मैं यहाँ पे 3.5 इंच। और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर एक बॉक्स बना लेंगे और कोने पे टेप को रखकर 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से बोट नेक का शेप दे देंगे हम। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करते हैं बोट नेक में आर्मोल्स की तरफ 1/2 इंच। तो 1/2 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से और इसे नेक ब्रिज से मिला लेंगे इस तरीके से। अब हम आर्मोल्स को भी डाउन करते हैं फ्रंट पार्ट में। तो आर्मोल्स हम यहाँ पे डाउन करेंगे 0.5 इंच, मतलब 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को देखिए हम ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ इस तरीके से मिला लेंगे। अब अंदर वाले कोने पे हम टेप को रखेंगे और 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से आर्मोल्स का शेप दे देंगे। यहाँ पे हमें बैक पार्ट के आर्मोल्स का भी शेप दे देना है इस तरीके से। अब जब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे तो पहले बैक वाले आर्मोल्स की कटिंग करेंगे, फिर प्रिंसेस कट कट करके जॉइंट करने के बाद हम फ्रंट वाला आर्मोल्स कट करेंगे। हम प्रिंसेस कट के लिए मार्जिन बढ़ाकर लेंगे। ऊपर से लेंगे हम 1 इंच बढ़ाकर और नीचे से लेंगे 1.5 इंच बढ़ाकर और इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे बैक वाला आर्मोल्स कट करना है। कट करने के बाद देखिए हम प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे यहाँ पे। तो सेंटर से हम यहाँ पे देखिए 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से और ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे हम यहाँ पे 11 इंच। 11 इंच पे निशान लगाएंगे और जहाँ पे हमने टक्स पॉइंट लिया है वहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ाकर लेंगे। मतलब नीचे हमने 4 इंच लिया है तो ऊपर हम लेंगे 4.25 इंच, मतलब कि 4.25 इंच इस तरीके से। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन को हम आर्मोल्स की तरफ मिलाएंगे इस तरीके से हल्के हाथों से शेप देते हुए।
अब हम नीचे की तरफ टक्स की चौड़ाई लेंगे, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 इंच, 1.5 इंच पे निशान लगाना है हमें। और टक्स की लेंथ मैं यहाँ पे रखूँगी 2 इंच, 2 इंच पे निशान लगाना है हमें इस तरीके से। और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से टक्स पॉइंट से हमें शेप देना है इस तरीके से प्रिंसेस कट का। हल्के हाथों से हमें इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। अब जो हमने 1/2 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लिया है उसे हमें इसी तरीके से तिरछा कट करना है। अब इसे हम कट कर लेंगे। प्रिंसेस कट वाले दोनों साइड हमें क्रॉस निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो बचा हुआ मैंने अस्तर लिया है यहाँ पे, इसे हम इस तरीके से 4th फोल्ड करके रखेंगे अच्छे से इस तरीके से। नीचे से हमें बराबर करके रख लेना है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स लेंथ लेंगे, तो स्लीव्स की जो हमें लेंथ रखनी है वो रखनी है यहाँ पे 10.5 इंच। 1 इंच मार्जिन ऐड करके हम यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। आगे भी हम 11.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऊपर से कपड़ा कम है, तो हम स्लीव्स डाउन का निशान लगा लेंगे यहाँ पे 3 इंच पे। और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड, ऊपर नीचे दोनों साइड। अब देखिए हम बैक पार्ट के आर्म होल्स की मेजरमेंट लेंगे। तो बैक पार्ट लिया है मैंने यहाँ पे, इसका आर्म होल्स मेजर करेंगे। ऊपर से देखिए हम 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई का छोड़ देंगे और फिटिंग की निशान तक हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 7.5 इंच। तो इस तरीके से देखिए टेप को रखकर हम यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। नीचे लेंगे हम स्लीव्स फिटिंग, स्लीव्स फिटिंग है हमारी यहाँ पे 12 इंच, उसका आधा लेंगे हम यहाँ पे 6 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करके इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए ऊपर की तरफ हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देंगे। शेप देने के बाद देखिए हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए इसे हम ओपन करेंगे। ओपन कर देखिए इस साइड हमारा ज़्यादा कट है, तो इस साइड हम स्लीव्स की गहराई दे देंगे, तो ये हमारा जो कट है वो निकल जाएगा और ये छोटा सा कट हमारा बैक साइड की सिलाई में आ जाएगा। और जिस साइड हमने गहराई दी है वो साइड, दोनों साइड हमें क्रॉस निशान लगा लेना है। अब सभी पार्ट्स को हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है, इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लेंगे और इसके जो डिज़ाइन है वो पूरे ऊपर की तरफ आने चाहिए। इस तरीके से हमें सभी पार्ट को कट करना है। मैंने बैक वाले पार्ट में भी ये बताया था। तो देखिए अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और चारों तरफ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करना है। पर जो हमारा जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसे एज इट इज़ कट करना है इस तरीके से, एकदम बराबर से कट करना है हमें। और स्लीव्स को भी हमें चारों तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है। और दूसरे जो हमारे प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसे भी देखिए प्रिंसेस कट वाली साइड से हमें एकदम बराबर से कट कर लेना है। सभी पार्ट्स को कट करने के बाद देखिए हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर वाला पार्ट लिया है। सबसे पहले हम अस्तर वाले पार्ट में प्रिंसेस कट जॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसे मैंने इस तरीके से रख लिया है। अब एक हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट लेंगे और इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और नीचे से एकदम बराबर करते हुए पकड़ेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हल्के हाथों से हमें शेप देते हुए इसे अटैच करना है। एक और सिलाई लगा लेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है वो एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। इसी तरीके से सेम हमें दूसरी साइड भी अटैच कर लेना है प्रिंसेस कट वाला पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दूसरी साइड भी अटैच कर लिया है। अब सेम ऐसे ही हमें मेन फैब्रिक में भी अटैच करना है प्रिंसेस कट को। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक में हमने देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हमें एकदम बराबर कट करना है। उसी तरीके से कट करने के बाद देखिए यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे प्रिंसेस कट वाले पार्ट को नीचे से बराबर करते हुए पकड़ते हुए। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों प्रिंसेस कट जॉइंट कर लिए हैं मेन फैब्रिक में भी। अब हम यहाँ पे कप्स लगाएंगे, अस्तर वाले पार्ट पे हम कप्स लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अस्तर वाला पार्ट ले लिया है। इसमें हमारा जो हमने पहले कटिंग के टाइम जो टक्स पॉइंट लगाया था उसी के निशान पे हम यहाँ पे कप्स अटैच करेंगे। तो दोनों साइड वही निशान हम देखिए डार्क कर लेंगे।
अब देखिए यहाँ पे मैंने कप लिया है, इसे हम इस तरीके से उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद इस तरीके से फोल्ड करके हम सेंटर में मार्किंग कर लेंगे इसके। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद देखिए ये जो निशान है हमारा, उसे हम टक्स पॉइंट पे रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से रखकर सुई धागे की मदद से यहाँ पे हम इसे टक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सुई धागा लिया है, इसे हम यहाँ पे टक कर लेंगे। अब सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी हम कप अटैच करेंगे। देखिए इसे उल्टा करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद देखिए इस निशान को हम टक्स पॉइंट पे रखेंगे फिर से इस तरीके से, और इसे भी हम सुई धागे की मदद से टक कर लेंगे। दोनों साइड कप्स अटैच करने के बाद इनको हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। अब इसे हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे अस्तर वाले पार्ट को। देखिए यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर हम अस्तर वाला पार्ट रखेंगे और दोनों के प्रिंसेस कट वाली सिलाई को मिलाते हुए हमें पिनअप कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों की प्रिंसेस कट वाली सिलाई को मिलाते हुए हम यहाँ पे पिनअप कर लेंगे, ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो आगे पीछे ना हो। दूसरी साइड भी प्रिंसेस कट वाली सिलाई को मिलाते हुए हम यहाँ पे देखिए पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद देखिए हम यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को अटैच करने के लिए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते टाइम आपको ध्यान देना है, अस्तर वाले पार्ट को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। हल्के हाथों से पकड़ते हुए यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है पूरे पार्ट में। सिलाई लगाने के बाद देखिए साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर लेना है। कट करने से पहले आपको चेक कर लेना है कोई भी साइड हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर तो नहीं निकल रहा है। इस तरीके से चेक करने के बाद देखिए हम साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा है वो कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद देखिए हम आर्मोल्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए हम इसे बराबर करके इस तरीके से पकड़ेंगे और पिनअप कर लेंगे। यहाँ पे हमने फ्रंट वाला आर्मोल्स कट नहीं किया था, वो अब हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पिनअप करने के बाद हम यहाँ पे फ्रंट वाला आर्मोल्स का शेप दे देंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमने आर्मोल्स कट कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की अस्तर की पट्टी ली है, इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे और पट्टी को इस तरीके से पलटेंगे और पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए पट्टी को हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम इसका नेक भी रेडी कर लेंगे। तो नेक में हम यहाँ पे उरेब पट्टी लगाएंगे, मतलब जो तिरछी पट्टी आती है वो लगाएंगे हम यहाँ पे। तो इसके लिए हम तिरछी पट्टी कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अस्तर का बचा हुआ फैब्रिक लिया है, इस तरीके से जो हमारी खिंचाव वाला पार्ट होता है वहाँ से हम पट्टी कट कर लेंगे। लगभग 1.25 इंच इतनी पट्टी मैंने यहाँ पे कट की है। अब देखिए इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे पूरे नेक में। सिलाई लगाने के बाद देखिए पूरे नेक में हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करते हुए छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं हमें पूरे नेक में। कट लगाने के बाद देखिए पट्टी को हम इस तरीके से पलटेंगे और ऊपर की साइड हम पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये पट्टी अटैच करने के बाद देखिए पहले हम शोल्डर जॉइंट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैक पार्ट लिया है, इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। आगे की तरफ पट्टी हम खोल के रखेंगे इस तरीके से और बैक पार्ट को हम इस तरीके से रखकर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा शोल्डर है वो एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। इस वाली साइड भी हमें देखिए
पट्टी को आगे करते हुए रखना है और उसके ऊपर हमें देखिए बैक पार्ट का शोल्डर रखते हुए इस तरीके से अटैच कर लेना है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे भी देखिए हमारा जो शोल्डर है वो एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। तो अब हम पट्टी को देखिए इस तरीके से अंदर फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा नेक है वो एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकालेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर मार्किंग कर लेंगे। और सेंटर मार्किंग करने के बाद देखिए बैक वाले पार्ट का जो सेंटर है वो हम सेंटर के मार्किंग के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और कमर की तरफ से बराबर करते हुए हम चेक कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे और सेम इसी तरीके से हम नीचे से कमर की तरफ से बराबर करते हुए पकड़ेंगे और आर्म होल्स भी चेक कर लेंगे। आर्म होल्स में भी जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके बराबर कर लेना है। यहाँ पे सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम चेक कर लेंगे। साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और आर्म होल्स भी चेक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम स्लीव्स रेडी करेंगे इसकी। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव्स वाला फैब्रिक लिया है। यहाँ पे हम एक मेन फैब्रिक लेंगे और एक हम स्लीव्स लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को सीधा रखा है, इसके ऊपर हम यहाँ पे जो हमने स्लीव्स कट की है वो रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। अब देखिए अस्तर वाले पार्ट को हम इस तरीके से पलटते हुए अस्तर वाले पार्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। फिर अस्तर वाले पार्ट को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से रेडी करने के बाद देखिए हम पूरी स्लीव्स में मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइंट करने के लिए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद इसे देखिए हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और ऊपर से जो भी हमारा छोटा बड़ा फैब्रिक हो रहा है उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे और सेंटर में छोटा सा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद देखिए इसे हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्लाउज लिया है, तो देखिए इसे हम इस तरीके से रखेंगे। मैंने फ्रंट वाला साइड अपनी तरफ रखा है और दूसरी साइड मैंने बैक वाला पार्ट रखा है। शोल्डर हम बराबर कर लेंगे यहाँ पे कट कर इस तरीके से। बराबर करने के बाद देखिए हम यहाँ पे स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स में जो हमने कटिंग के टाइम क्रॉस निशान लगाया था वो हमारा फ्रंट वाली साइड आना चाहिए और जो हमने छोटा सा कट लगाया था सेंटर कट वो हमारे शोल्डर की सिलाई पे आना चाहिए। इस तरीके से रखते हुए हम स्लीव्स को हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए हमारी जो स्लीव्स है वो एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे अटैच हो चुकी है। अब देखिए हम फ्रंट और बैक पार्ट को ज्वाइंट करने के लिए दोनों को कमर की तरफ से बराबर करते हुए पकड़ेंगे इस तरीके से और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से स्लीव्स अटैच करके हम साइड सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों साइड स्लीव्स अटैच करके साइड सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, मतलब फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में निशान लगा लिया है। सेंटर में निशान लगाने के बाद देखिए हम सबसे पहले वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी यहाँ पे 31 का फोर्थ पार्ट लेंगे हम 7.8 इंच, मतलब कि 7.75 इंच, और चेस्ट लेंगे हम यहाँ पे 9 इंच, मतलब 9 इंच, और स्लीव्स फिटिंग लेंगे हम यहाँ पे 6 इंच। स्लीव्स फिटिंग है हमारी 12, उसका आधा लेंगे 6 इंच, और तीनों निशान को देखिए हम इस तरीके से मिला लेंगे। सीधी लाइन आनी चाहिए हमारी इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे। दोनों साइड निशान लगाने के बाद देखिए हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो कमर की तरफ से हम बराबर करते हुए पकड़ेंगे और नीचे से पक्का करते हुए इसे सिलाई लगा लेंगे।
एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक और सिलाई लगाएंगे और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाकर ब्लाउज़ को रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।